असलम जेमिनाइज मैं हरीश अज़मी प्रोफेशनल स्ट्रॉलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चिज़ लेकर पिछले हफ़्ते से ही आपके लिए खुशखबरियाँ चल रही हैं जेमिनाइज ये हफ्ता भी खुशखबरीों से भरा हुआ है तफसी में बयान करूँगा एक ही चेंज है मरकरी जो चार तारीख को डायरेक्ट हुआ था वो कुछ टाइम के लिए कैप्रिकॉन एंगल पर गया था रेट्रोग्रेड होकर अब वो फोटीन ऑफ फेब को अगेन एक्वेरियस एंगल पर आ जाएगा वो आपका नाइन्थ एंगल बनेगा एंड डेट इज़ योर रूलिंग प्लानट अगर रूलिंग प्लानट नाइन्थ एंगल पर हो और हो भी सूरज के साथ तो ये किसी ब्लैसिंग से कम नहीं दिस इज़ अ टाइम फॉर योर जीनियस एंड मेच्योर अबिलिटीज़ टू परफॉर्म एंड ये जैसे रिश्तेदारी के मामलों होते हैं उन मामला में आपका रोल बड़ा अहम रहेगा अगर आप एक ऐसी एज ग्रुप से हैं जिस एज ग्रुप में आप किसी फैमिली के लिए काफ़ी सपोर्टिव हैं तो दिस इज़ द रट टाइम जब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी जब आपके तल्लुत अपने जो बड़े रिश्ते हैं जैसे फादर जैसे बड़ा भाई मदर बॉसेस इस तरह के रिश्तों से आपका कनेक्शन बहुत डेवलप होगा एंड अब जब भी मरकरी सूरज के साथ कभी भी नाइन्थ एंगल पर हो तो जिस जिस भी तालीमी शोबे में आप इन्वॉल्व हैं चाहे अमूमी तालीम है जो स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पर या हायर एजुकेशन हो जिसमें कोई मकसद ज़िंदगी छुपा हुआ हो उसकी परफॉर्मेंसेज़ गैरमूली हो जाती ऐसे जैमनाइज जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं जो कोई जहनी काबिलियत का काम कर रहे हैं टीचर हैं इवन वकील हैं जजेज हैं इन सब की माइंड स्किल्स फोकस होकर अपने कैरियर को अपनी फैमिली को परफॉर्म करेगी एट द सेम टाइम मोस्टली दो एजेंडाज़ पैरल चल रहे होते हैं एक मटीरियल अचीवमेंट्स एंड दूसरा फैमिली वेलफेयर एंड इन दोनों ही सेक्टर्स में जमेनाइज़ आर इन अ गोल्डन सीजन बाई द सपोर्ट ऑफ मरकरी एंड सन बात अभी भी खत्म नहीं हुई अगर जेमनाई गोल्डन एंगल पर हो तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो मैजिकल हो जाता है ऐसी सूरत में डील मेकिंग करनी चाहिए मीटिंग्स करनी चाहिए खुद जाना चाहिए मीटिंग्स में खुद लोगों के साथ गेट टूगैदर्स करनी चाहिए उससे नए रस्ते निकलेंगे आइडियाज आएंगे जहनी हम आहंगी पैदा होगी इवन लव अचीवमेंट्स होंगी प्यार बढ़ेगी पर्सनल रिलेशन के बढ़ने से पब्लिक रिलेशन के बढ़ने से काम बनना तेज़ हो जाएंगे फिर अगर कभी भी मरकरी अच्छे एंगल पर हो तो इसकी वजह से कंफर्ट ऑफ़ लाइफ भी इनहेंस हो जाता कंफर्ट ऑफ़ लाइफ का मतलब है ज़्यादा पीसफुल ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल ज़्यादा इजी, ज़्यादा सिल्की तो so, ये सब चीज़ें सूरज और मरकड़ी से इस वक्त आपको इस हफ़्ते तक तो मैसर हैं अगले हफ़्ते सूरज एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा और उस नेक्स्ट एंगल पर वो आपके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो तो तफसील अगले हफ़्ते बयान करूंगा इस हफ़्ते सिर्फ़ अभी जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो बयान करता वीनस आपके एर्थ एंगल पर दिस इज़ नॉट अ गुड साइन आपको अपने रिलेशनस का ध्यान रखना चाहिए जमनाइज अगर आपका मूड अपने रिलेशनस की वजह से लव रिलेशंस वो जो मरकरी एंड सन है वो लव रिलेशंस नहीं दे रहा वो देगा बड़े भाई के साथ बुजुर्गों के साथ तल्लु बॉसेस के साथ तल्लुक उसके अच्छे अचीवमेंट से अगर कोई लव अचीवमेंट भी हो जाए तो वो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है जबकि वीनस जब अची कनेक्शन्स देता है रिलेशन देता है तो डायरेक्ट लव अटैचमेंट्स एंड सोल एक्सचेंजेस होती हैं तो लव अटैचमेंट एंड सोल एक्सचेंजेस वाला प्लानट अभी डाउनफॉल में है कमज़ोर हालत में है आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए अपने रिश्तों को निभाने के लिए कुछ कुर्बानी का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए अगर आप रिश्तों की कदर करते हैं तो इसमें कोई मुका नहीं कि इस वक्त आप ज़रा बैक फुट पर रहें अपनी कम्पलेंस को ज़रा पीछे रखें शक ना करें मैंने कितने लोगों को देखा है जो तो सिर्फ़ शक की बुनियाद पर अपने रिश्ते खो देते हैं शक एक जहर है जो रिश्तों के लिए बहुत ही कातिल है तो शक को अपने जहन में मत आने दीजिए जब तक आपके पास किसी एक मामले का प्रूफ ना आ जाए मार्स आपके एट्थ एंगल पर है इस वक्त प्रॉपर्टी साइड पर इन्वेस्ट करना इस वक़्त मुकदमेबाजी में, में उलझना इस वक़्त कर्ज़ा लेना इस वक्त किसी किसी के लिए कुछ ऐसे इकदाम करना जिसमें आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएं मतलब यू आर अ गारंटियर तो आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए नहीं तो नुकसान होएगा आपका जुपिटर इस वक्त टेंथ एंगल पर है ये साल पूरा ही जुपिटर लॉन्ग टर्म प्लानट है सिर्फ जिन दिनों जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा उस सीज़न को छोड़कर ये साल पूरा ही आपके लिए लकी साल साबित होगा एंड जुपिटर है भी आपके टेंथ एंगल पर पिछले 12 साल में जमलाइज ने अपने कैरियर साइड पर इतनी तरक्की नहीं की होगी जितनी तरक्की इस एक साल में एक्सपेक्टेड है बाई द सपोर्ट ऑफ जुपिटर दिस इज़ सपोर्ट ऑफ योर लक दिस इज़ सपोर्ट ऑफ़ योर जजमेंटल एबिलिटी दिस इज़ सपोर्ट ऑफ़ योर डिसिप्लिनल डिसिप्लिनरी नज़्म जब्त और ये आपको मैसर है सैटरन आपके नाइन्थ एंगल पर है ये भी पॉजिटिव है सैटरन के पॉजिटिव होने से ओवरसीज ट्रैवलिंग सैटरन के पॉजिटिव होने से बैड या नगेटिव टाइम का खात्मा ये भी मुमकिन हो चुका हुआ ये ढाई साल अच्छा चलेगा सो ओवरऑल जैमनाइज़ के लिए ज़्यादातर चीज़ें अच्छी हैं जो जो दो चीज़ें कमज़ोर हैं उनमें सेहत है और उसमें लव लाइफ है उसमें ये मुकदमेबाजी एंड कंपटीशन वगैरह भी हैं उन चीज़ों से अभी इस साल इस हफ़्ते अगर बच कर चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है जो जेमिनाइज़ अपनी सलाहियतों से अपनी प्लानिंग से अपने अवेलेबल रिसोर्स से अपने एक्सपीरियंसिस से ही अपने आप को ठीक कर लें दे आर स्ट्रॉग एंड वो सही जा रहे हैं बट अगर कोई जमनाई अपनी दोहरी सोच को अपने मूड स्विंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने सेहत के डैमेजेस को अपने लाइफ स्टाइल एंड अपनी विल से रिकवर नहीं कर पा रहा तो दैट मींस वो जल्द ही बड़े पछतावे में फंस जाएगा इसलिए उसको बचने के लिए कुछ आर्टिफिशियली फ्यूलिंग्स कर लेनी चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस अगर जयनाई एमरल्ड पहने या रूबी पहने तो ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स क्रिएट करता है एज अ कैटलिस्ट साथ में सूर्य शम्स पड़ी जाए तो उससे स्पिरिचुअल ब्लैसिंग्स भी मिल जाएंगी तो ये वाले दो जो इशूज़ हैं ये रिपेयर हो जाएंगे एंड इन दोनों इशूज़ के रिपेयर होते ही अगेन यू आर ऑन ट्रैक बट अगर कोई जमुनाई ये सब कर रहा है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर उसे पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए पर्सनल डायग्नोसिस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं बट वो फ्री फॉरम नहीं है जमुनाइज वो आप अंडरस्टैंड करेंगे अगले हफ्ते जब सूरज आपके नेक्स्ट एंगल पर जाएगा तो उसका आपके जहन पर आपके इरादों पर आपकी ब्रेवरी पर आपकी डिसीजन मेकिंग पर बहुत गहरा असर आएगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव वो तफसील अगले हफ़्ते बयान करूँगा तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने बात